नमस्कार दोस्तों, स्टडी आइकन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, 12 अप्रैल रात 9 बजे तक कितने आरआरसी ग्रुप डी में कितने फॉर्म भरे गए, सारा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस जोन में कितना कॉम्पिटिशन है, क्योंकि इससे आपको ये भी एक अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। और हालाँकि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके जोन से कितना भी कम कॉम्पिटिशन रहे या कितना भी कम रहे, लेकिन आपको करना ये है कि आपको डबल मेहनत करनी है, ठीक है। आपको ये सोच कर चलना, अगर आपके जोन से 100 पर बंदे पे 100 लोग हैं अगर एक सीट पर, तो आपको उसको 200 मान कर चलना, उस हिसाब से कंपटीशन में आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा। चलिए हम देखते हैं हम किस जोन से कितना यहाँ पे कंपटीशन है और कहाँ से कितने फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पूरा डेटा मैंने आज 9 बजे तक का आपके सामने लेकर आया हूँ, बिल्कुल ये इंटरनेट कैफ़े से कलेक्ट किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपके यहाँ पे ऊपर देखिए मुंबई सेंट्रल रेलवे मुंबई, तो सेंट्रल रेलवे मुंबई में काफ़ी अभी दोपहर में करीब, मैं आपको बता दूं 12 बजे करीब काफ़ी कम यहाँ पे कंपटीशन था, लेकिन अभी 91 हो गया है। तो यहाँ देखिए सेंट्रल रेलवे मुंबई में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन एकदम से बढ़ गया, क्योंकि लास्ट क्लास में सभी ने देखा कि सबसे कम कंपटीशन वेस्टर्न रेलवे मुंबई में है और सेंट्रल रेलवे मुंबई में, तो वहाँ आके सभी ने भर दिया। अभी लगभग 1-2 घंटे का टाइम है, अभी भी कुछ लोग ट्राई कर रहे होंगे, लेकिन अब उनको मतलब साइट यहाँ पर क्रैश होने लगती है, तो आप देख सकते हो। उसका देखिए नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, हाजीपुर में जो कंपटीशन रहेगा 148 रहेगा। टोटल यहाँ पे फॉर्म भरे गए 5,28,571 फॉर्म भरे गए, ठीक है। उसका नेक्स्ट है आपका भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में आप देख लीजिए 3,02,170 फॉर्म भरे गए। यहाँ पे जो कंपटीशन है 118 लोगों के बीच में आपका रहेगा। उसका देखिए मेट्रो कोलकाता, ठीक है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में जो आपका कंपटीशन है वो 98। अभी यहाँ थोड़ा सा यहाँ भी अभी कम कंपटीशन है, तो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं भरा तो भर दें जल्दी से अगर आप रहेगा तो। इलाहाबाद में देखिए काफ़ी डेंजर जोन है, 176 यहाँ पर कंपटीशन रहेगा, 176 यहाँ पर लोगों एक सीट पर यहाँ पर कॉम्पिटिट करेंगे। और आप फॉर्म देख सकते हैं 8,39,751 फॉर्म यहाँ पर भरे गए। उसका देखिए नेक्स्ट है गोरखपुर, गोरखपुर में जो है 5,69,436 फॉर्म भरे गए, यहाँ पे जो कंपटीशन है 141 रहने वाला है। उसका जयपुर आप देख सकते हैं, जयपुर में जो कंपटीशन है वो लगभग 161 है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका गुवाहाटी, गुवाहाटी का कंपटीशन है वो 110 है। उसका देखिए न्यू दिल्ली में 130 मतलब 130 यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है आपका। यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं ये नंबर ऑफ जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो बताई हुए, और इस तरफ देखिए अब नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं और ये सारी कैटेगरीज वाइज भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिया गया है। उसका देखिए बिलासपुर में लगभग 153 सीट पे आप 153 कैंडिडेट हैं एक सीट पर। उसका देखिए 91 है कोलकाता में, साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता, अभी यहाँ काफ़ी कम है, तो आप यहाँ अभी अगर नहीं फॉर्म भरा तो यहाँ जल्दी से भर दें। हुबली में देखिए, हुबली में तो सबसे कम अभी इस समय है, क्योंकि हुबली में 86 है एक सीट पर, ठीक है। उसके बाद 87 देखिए चेन्नई में 87 कंपटीशन चल रहा है, और उसके बाद जबलपुर में काफ़ी अच्छा कंपटीशन है 119 है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन। और उसका देखिए वेस्टर्न रेलवे मुंबई, अभी तक इसमें सबसे कम था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं 94 हो गया, मतलब अभी 1-2 घंटे के अंदर ये भी 100 क्रॉस कर देगा, मतलब एक सीट पर 100 बंदे आ जाएंगे। तो इससे मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा वेस्टर्न रेलवे मुंबई में बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि यहाँ सभी को अभी तक इन्फॉर्मेशन मिल रही थी यहाँ पे कम सीटें और एकदम से सभी लोग यहाँ पर ही फॉर्म भरेंगे अगर अभी जो भी भरना चाहेगा। तो देखिए यहाँ पे 9,98,784 फॉर्म यहाँ भर दिए गए हैं। तो दोस्तों अपने हिसाब से आप फॉर्म भर लें, जो भी जोन आपको अच्छा लगे वहाँ से आप भर सकते हैं, जिस भी बोर्ड से आप भरना चाहते हैं। तो ये डिटेल था मैंने आपको बताया दोस्तों, और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। जय हिंद।